बॉलीवुड स्टार्स के और मॉडल्स के जो फोटो खींचे जाते हैं वो मोस्टली इसी वाले लेंस से। हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम रिव्यू करेंगे सोनी का 85 mm FE वाला लेंस, 1.8 एपर्चर वाला। बहुत ही शानदार ये लेंस है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। इससे लिए हुए सैम्पल फोटोज, सैम्पल वीडियोज, इसका प्राइस और सारी स्पेसिफिकेशन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और ये भी डिस्कस करेंगे कि आपको ये लेंस लेना चाहिए, और अगर लेना चाहिए तो किन लोगों को ये लेंस लेना चाहिए। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए गाइस, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। देख सकते हैं दिखने में कुछ ऐसा दिखता है ये लेंस। अगर वजन की इसकी बात करें तो 370 ग्राम इसका वजन है, तो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा हल्का भी नहीं है ये लेंस। थोड़ा सा वेट तो इसमें है, और ये आपका सोनी के जो ई माउंट वाले कैमरा है उसमें परफेक्टली काम करेगा, और ये आपका एक फुल फ्रेम लेंस है। तो अगर आपके पास सोनी का फुल फ्रेम मिररलेस कैमरा है तो उसमें परफेक्टली काम करेगा ये। उसके अलावा अगर आपके पास APS-C वाले कैमरा है सोनी के, जैसे कि सोनी A6000, सोनी A6100 या नेक्स्ट सीरीज़ के कैमरा, तो उसमें भी ये काम करेगा। लेकिन क्योंकि उसमें आपका 1.5 टाइम्स का क्रॉप फैक्टर आ जाता है, तो इसकी इफेक्टिव फोकल लेंथ बन जाएगी 85 × 1.5, जो कि लगभग 120 mm के आसपास बैठेगी। तो इसकी फोकल लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा बन जाएगी, तो मज़ा नहीं आएगा आपको, और बैकग्राउंड ब्लर भी थोड़ा कम मिलेगा। तो मैं सजेस्ट करूँगा, अगर आपके पास सोनी का फुल फ्रेम मिररलेस कैमरा है तो तब आप इस वाले लेंस को बाई करें। अगर आपके पास APS-C वाले कैमरे हैं तो तब आप 50 mm वाले लेंस को बाई करें, तो ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। तो दिखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन वो बड़ा इस लेंस हुड की वजह से लग रहा है। तो अगर मैं इसको उतार दूँ तो आप देख सकते हैं ये इतना भी बड़ा नहीं है। और अगर इसकी बॉडी की बात करें तो ये मेटल का है, प्लास्टिक का नहीं है। बिल्ड क्वालिटी इसकी एकदम सॉलिड है, बहुत ही अच्छी इसकी एक्सीलेंट बिल्ड क्वालिटी है। फोकस रिंग देखो कितना स्मूथ है। अगर आपको मैनुअली फोकसिंग भी करनी है इससे, तो बहुत ही स्मूथली आप कर सकते हैं। सामने से जो इसका डायमीटर है 67 mm का है, तो अगर आपको कोई अलग से फिल्टर लगाना है तो 67 mm का आपको फिल्टर लगाना होगा। यहाँ पे आपको मैनुअल फोकस और ऑटो फोकस का स्विच भी मिल जाता है। तो पीछे से भी आपको दिखा देता हूँ, देखिए मेटल का माउंट है, प्रोफेशनल है एकदम। जो प्लास्टिक माउंट वाले लेंस होते हैं वो बड़े कमज़ोर होते हैं, लेकिन ये प्रोफेशनल लेंस है, तो इसमें आपको मेटल का माउंट मिलता है। तो आप इसको काफ़ी यूज़ करेंगे, पुराना भी हो जाएगा तो भी ख़राब नहीं होगा, और ना ये डैमेज होगा। अब बात कर लेते हैं कि क्यों आपको 85 mm का लेंस लेना चाहिए 50 mm के बजाय। तो गाइस, 85 mm की जो फोकल लेंथ है वो पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है, क्योंकि 85 mm पे जो आपके चेहरे की जो फेशियल फीचर्स हैं वो बहुत ही प्यारी दिखाई देती हैं, और जो आपका पीछे का बैकग्राउंड है और आपको बैकग्राउंड ब्लर मिलता है वो भी बहुत सही मिलता है। जो आपके प्रॉपर मॉडलिंग वाले जो फोटोशूट्स होते हैं वो मोस्टली आपको या तो 70-200 वाले लेंस से शूट किए जाते हैं, या फिर 85 mm वाले से शूट किए जाते हैं। मेरे पास 50 mm का लेंस भी है, मैं दिखा देता हूँ आपको। अभी ये सोनी A7 जो कैमरा है इसमें ये 50 mm का लेंस लगा हुआ है, लेकिन जो 50 mm से आपको ब्लर मिलता है और जो इससे मिलता है, दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इस 85 mm वाले लेंस से जो आपको बैकग्राउंड ब्लर मिलता है, उसके बाद जो आप फोटो लेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपको किसी ने मॉडल बना दिया है। इससे अगर आपने अपने फ़ोटो निकलवाए ना, आपकी जो ब्यूटी में अलग ही चार चांद लग जाएंगे। जो आपके मॉडलिंग वाले जो पोर्टफोलियो होते हैं, जो आपके प्रॉपर बॉलीवुड स्टार्स के और मॉडल्स के जो फ़ोटो खींचे जाते हैं वो मोस्टली इसी वाले लेंस से, 85 mm F1.8 वाले लेंस से ही खींचे जाते हैं। और क्योंकि इसका एपर्चर 1.8 तक जाता है, तो लो लाइट परफॉर्मेंस भी इसकी काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी ये लाइट गैदर करता है। तो लो लाइट में भी अगर आपको इसको यूज़ करना है तो भी ये बेहतरीन रिजल्ट्स आपको देगा। और बैकग्राउंड ब्लर के तो क्या कहने। अगर मैं इसकी शार्पनेस की बात करूं, इसके कंट्रास्ट की बात करूं, जो इससे कलर्स निकल के आते हैं वो एकदम ज़बरदस्त है। मैं स्क्रीन पे फ़ोटो डाल देता हूं, फ़ोटो देखने के बाद आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने बेहतरीन ये फ़ोटो ले सकता है। हर चीज़ इसकी ज़बरदस्त है, शार्पनेस हो, कॉन्ट्रास्ट हो, कलर्स निकल के आ रहे हो, इमेज की क्वालिटी एकदम नंबर वन है। अगर मैं 50 mm वाले लेंस से कंपेयर करूं तो इसकी इमेज क्वालिटी उससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। हमारे जैसे नॉर्मल दिखने वाले लोगों के फ़ोटोज़ भी अगर आप इस 85 mm वाले लेंस से क्लिक करोगे तो हम भी किसी मॉडल से कम नहीं नज़र आएंगे।
तो अगर आप एक मेनली पोर्ट्रेट फोटोग्राफर हैं, आपका मेन जो काम है आप लोगों की फोटोज़ वगैरह शूट करते हैं, तो तब डेफिनेटली आप 85 mm का लेंस लें। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले बताया, ये लेंस आप तभी लें जब आपके पास एक फुल फ्रेम मिररलेस कैमरा है सोनी का। तो देख सकते हैं मेरे पास ये सोनी A7 कैमरा है और ये आपका एक फुल फ्रेम कैमरा है। फुल फ्रेम कैमरा यूज़ करोगे तो आपको 85 mm है ना, तो 85 mm की फोकल लेंथ मिलेगी और बैकग्राउंड ब्लर भी आपको ज़्यादा मिलेगा। क्रॉप सेंसर वाला यानी कि APS-C कैमरा यूज़ करोगे जैसे कि सोनी A6000 6100, तो उसमें आपको 1.5 times कम बैकग्राउंड ब्लर मिलेगा। लेकिन इस फुल फ्रेम पर अगर आप इसको लगाओगे तो आपको मज़ा आ जाएगा सीरियसली, फोटोज़ में भी और वीडियो में भी। अगर इस लेंस के लेटेस्ट प्राइस की बात की जाए, अमेज़ोन पे ये लगभग आपको 48,000 रुपये में मिल रहा है, तो काफ़ी एक्सपेंसिव ये लेंस है। तो अगर आप एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं, आपके पास बजट है, आप अपनी फोटोग्राफी से पैसा कमाते हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा तभी आप इस लेंस को लें। अगर आप एकदम बिगनर हैं फोटोग्राफर हैं, आपके पास इतना बजट नहीं है, तो तब आप ये जो 50 mm वाला लेंस है सोनी का, तब आप इसको बाय कर सकते हैं। क्योंकि ये वाला जो आपका लेंस है, ये आपका 18-19 हज़ार में आपको ईजिली मिल जाएगा और इससे भी आप काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड ब्लर कर सकते हैं, अच्छे फोटो ये भी ले लेता है पोर्ट्रेट में। लेकिन अगर आपको अल्टीमेट फोटो चाहिए, ज़बरदस्त एकदम मॉडलिंग वाले फोटो चाहिए, तो तब आप इस 85 mm वाले लेंस को बाय करें। देखो देखने में ऐसा दिखता है, जबरदस्त ये लेंस है। तो अगर पैसे हैं तो इसको डेफिनेटली ले लेना। अगर आप प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं और आपके पास ये लेंस है, तो जब आप अपने क्लाइंट्स के फोटो लेंगे ना इससे, तो फोटो देखने के बाद बंदे एकदम खुश हो जाएंगे। ऑलराइट गाइस, आई होप आपको ये रिव्यू अच्छा लगा हो। रिव्यू अच्छा लगा हो तो यार इसको शेयर कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। उससे मेरा चैनल भी ग्रो करेगा और मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, ताकि आपके लिए ऐसा ही अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आ सकूँ। तो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी दबा देना।